ओके यस यस स्टार्टेड स्टार्टेड स्टार्टेड। ठीक है, एक बार छोटा सा रिकैप देता हूँ। हमने रिसेप्टर्स के बारे में देखा है। रिसेप्टर्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। बॉडी में चार टाइप के रिसेप्टर्स है। इसमें से पहला डिस्कस कर रहे थे आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर, जिसका पहला पार्ट है गाबा, जो आपके ब्रेन को डिप्रेस करता है। अगर किसी पर्सन ने अल्कोहल कंज्यूम किया तो उसके ब्रेन में अलगाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होने के कारण उसे नींद आती है। दूसरा है ग्लाइसिन। आपके फूड के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसके अंदर ग्लाइसिन भी होता है, जिसके कारण आपको नींद आती है। निकोटिनिक रिसेप्टर, जो लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू या सिगरेट पीते हैं, उसमें क्या होता है, निकोटीन होता है, जिसके कारण आपको किक मिलती है। तो इसको सेंस करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है। एनएमडीए रिसेप्टर, एन मिथाइल डी अस्पार्टेट रिसेप्टर, अस्पार्टिक एसिड के साथ इंटरैक्ट करने वाला रिसेप्टर। अस्पार्टिक एसिड आपके ब्रेन के अंदर रिलीज होता है, तो इसका मेन काम क्या है, आपके लर्निंग को, मेमोरी को बढ़ाना। देन एएमपीए रिसेप्टर, इसका फुल फॉर्म बहुत लेंदी है, उसके डेप्थ में मत जाओ, सिर्फ इतना याद रखो एएमपीए एक सेंसरी रिसेप्टर है, आपके ब्रेन के अंदर स्टिमुलेशंस को बढ़ाता है। एंड देन 5HT3 रिसेप्टर, ये इसको बोलते हैं सेरोटोनिन रिसेप्टर। टोटल सेरोटोनिन के अंदर 14 रिसेप्टर्स है, 14 है। इसमें से सिर्फ एक ही है जो आइनोट्रॉपिक है, वो है 5HT3। तो इसका नेमिंग कैसे होता है, देखो 5HT1, 2, 3, 4, ऐसे लेके टोटल 14 रिसेप्टर्स है, 5HT1, 5HT2, 5HT3। तो सेरोटोनिन को सेंस करने वाला जो 5HT3 जो है ना, ये आइनोट्रॉपिक है, बाकी के सारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कैटेगरी में आते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने बोला सेरोटोनिन रिसेप्टर आइनोट्रॉपिक में है, तो ये जीपीसीआर में आया कहाँ से? तो इसके पीछे रीजन ये है कि 5HT3 ओनली आइनोट्रॉपिक है, बाकी के जो 13 रिसेप्टर से ना, वो सारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन की लेवल हद से ज्यादा हो गई, तो आप पागल हो जाओगे, आपका आपके थॉट्स के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसके लेवल हद से ज्यादा कम हो गई, तो आपको होगा डिप्रेशन। दैट्स वाई लोग एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खाते हैं। मे बी हमारे आसपास ऐसी केसेस होती है कि जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के पीछे रीजन बहुत सिंपल है, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपके थॉट प्रोसेस अलाइन नहीं है रियलिटी के साथ। तो आप अपने बारे में या दूसरे के बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हो जिसके कारण आप डिप्रेस हो रहे हो, और ये डिप्रेशन किसी भी रीजन के साथ आ सकता है। आइदर आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या अपना कोई फैमिली मेंबर जिसकी डेथ हुई है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसमें आपके थॉट प्रोसेस के कारण सेरोटोनिन की लेवल कम हो गई और फिर आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर व्हिच कंट्रोल्स योर डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, एक्चुअल में हमारे डे टू डे लाइफ में मदद कहाँ पे करता है? फॉर एग्जाम्पल एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, इसके अंदर दो रिसेप्टर आते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। अल्फा में भी दो है, एक है अल्फा 1, दूसरा है अल्फा 2। बीटा में तीन है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। और अभी एक एक रिसेप्टर का फंक्शन सुनो। अल्फा 1, अल्फा 2 मेनली आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, और इसका काम होता है मेनली आपके अदर ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। जैसे कि अल्फा 1 का काम है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है ना, उसकी लेवल को कंट्रोल करना। अल्फा 2 का भी वही काम होता है, और ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है टू तो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो अल्फा रिसेप्टर ने क्या किया, आपके हार्ट के ऊपर, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाया टू तो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ये काम का कहाँ पे है, जब भी किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर फॉल डाउन होगा, तो उसको अगर उठाना है, उसको ऊपर लेके जाना है, तो आपको ये एड्रेनर्जिक अल्फा रिसेप्टर मदद करेगा। लेकिन अगर मान लो दूसरा है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, आपके हार्ट बीट्स कम हो चुके हैं, तो आपके हार्ट के ऊपर होता है बीटा 1 रिसेप्टर। तो उस हार्ट बीट्स को बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमारे हार्ट बीट्स नॉर्मल होते हैं 72 बीट्स पर मिनट, 60 सेकेंड्स में टोटल 72 हार्ट बीट्स होते हैं। तो मान लो आपके हार्ट बीट्स गिर गए 40 तक, तो क्या ये आपके लिए सूटेबल है क्या? नहीं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए बीटा 1 आपकी मदद करेगा। बीटा 2 जनरली आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका काम होता है आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करना। गलती से अगर आपके लंग्स के अंदर का ये जो रिसेप्टर है जिसका नाम है बीटा 2, ये अगर फेल हो गया ना, तो आपको अस्थमा का अटैक आएगा और फिर आप सांस नहीं ले पाओगे।
तीसरा है बीटा थ्री, ये आपके फैट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं ना, उनके बॉडी में बीटा थ्री रिसेप्टर का काम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बीटा थ्री रिसेप्टर आपके फैट्स को मेटाबोलाइज करने के लिए मदद करता है। तो ये हो गया एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का पार्ट। दूसरा है मस्कारिनिक रिसेप्टर, इसके अंदर आता है M1, M2, M3, M4, M5। मस्कारिनिक 1, मस्कारिनिक 2, मस्कारिनिक 3, मस्कारिनिक 4, मस्कारिनिक 5। इन पांचों का अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल M1, ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मेन इंग्रेडिएंट है, जो न्यूरॉन को कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। M2 आपके हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसका काम है अगर हार्ट रेट तेज हो चुका है तो उसे डाउन करना है। M3 आपके जो ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उनके अंदर से सिक्रीशन को प्रमोट करने के लिए M3 आपकी मदद करेगा। M4, M5 जनरली ब्रेन के अंदर होते हैं और उनके फंक्शंस एज सच रिपोर्टेड नहीं है। तो याद रखना है M1 प्रेजेंट इन द ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, M2 लोकेटेड इन योर हार्ट, M3 इज लोकेटेड इन ग्लैंड्स। इसके बाद है सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर, ये मेनली आपके ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम होता है स्टिमुलेशंस को कंट्रोल करना, आपके मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करना। इसके बाद है हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर। अब इसकी एक स्टोरी है, जब भी आपका एक्सीडेंट होता है ऐसा क्यों होता है कि जहां पे भी इंजुरी हुई है वहां पे पेनफुल सेंसेशंस आते हैं, बहुत सारा दर्द होता है? उसके पीछे रीजन है हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर। जब भी आपको छोटी मोटी इंजुरी हो जाती है तब वहां से खून निकलता है, ब्लड आता है, पेनफुल सेंसेशंस होते हैं, फ्लूड आता है, रेडनेस होता है, हॉट सेंसेशंस होती है, वो ये हिस्टामिन के कारण होते हैं। हिस्टामिन आपके बॉडी का एक इंफ्लामेटरी मीडिएटर है। जैसे कि मान लो आपको पीछे से किसी ने गोली मार दी या ब्लेड मार दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि किसी ने पीछे से पीठ के ऊपर ब्लेड मारा है, तो आपका ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होता रहेगा लेकिन आपको समझेगा ही नहीं ब्लीडिंग हो रहा है पीछे से। तो आपको ये सेंस करने के लिए कि मुझे कुछ तो लगा है पीछे, उससे ब्लीडिंग हो रही है, वो सेंस समझने के लिए, वो पेनफुल सेंसेशन समझने के लिए हमें हिस्टामिन नाम का केमिकल मदद करता है। आप कहोगे कैसे? देखो अब ये है आपका टिश्यू, ठीक है, इस टिश्यू के अंदर मान लो कील चुभ गई। अब ये जो कील है आपके टिश्यू को यहां से डैमेज करती है, तो यहाँ पे जो सेल्स है वो तो डैमेज हो गए, राइट? और इन सेल्स के नीचे क्या है? ब्लड वेसल्स है। तो जब आपकी ये सारे सेल्स डिस्टर्ब हो चुके हैं, इनका स्ट्रक्चर अभी टूट चुका है, तो ये क्या करेंगे? अरैचिडोनिक एसिड को रिलीज करेंगे, अरैचिडोनिक एसिड को रिलीज करेंगे। अरैचिडोनिक एसिड क्या करेगा? आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिंस को बनाएगा। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स का एक पार्ट है। इसके साथ ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपके मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है। अब आप कहोगे सर अरैचिडोनिक एसिड तक ठीक था, प्रोस्टाग्लैंडिन एसिड भी आप प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन भी आप बता चुके हो, अब ये मास्ट सेल कॉन्सेप्ट आया कहां से? देखो आपकी इम्यून सिस्टम हर एक सेल के पास मौजूद है, आपकी इम्यून सिस्टम हर एक सेल को पहचानती है और जानती है कि कहां पे प्रॉब्लम है कहां पे प्रॉब्लम नहीं है। तो मास्ट सेल आपके बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में प्रेजेंट होता है टू डिटेक्ट इन्फ्लेमेशन, टू क्रिएट इन्फ्लेमेशन। इनका मेन काम होता है जब भी आपके बॉडी में कोई डैमेज होगा तब तुरंत हिस्टामिन को रिलीज करना है। क्यों? क्योंकि हिस्टामिन आपके पूरे बॉडी तक मैसेज पहुंचाता है, यस अभी बॉडी हाई अलर्ट पे है, कुछ तो मेजर प्रॉब्लम हुआ है, पहले उसे सॉल्व करो। तो जब भी आपको कोई इंजुरी होगी आपके बॉडी के अंदर, जहां पे भी इंजुरी होती है वहां के मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो तुरंत उस एरिया में हिस्टामाइन को रिलीज कर देते हैं। ये हिस्टामाइन तुरंत ब्लड के अंदर जाता है और हमारे WBC सिस्टम को मैसेज देता है, भाई उस लोकेशन के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करनी है, क्योंकि पहले तो टिश्यू कट चुका है, ब्लीडिंग हो रहा है, एनवायरमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आके पार्टी कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हिस्टामाइन हमें मदद करता है उस पर्टिकुलर इंजुरी को हील करने के लिए, और इस हिस्टामाइन के कारण आपको दर्द होता है। और आप क्या करते हो? पैरासिटामोल या कोई भी पेन किलर जब खाते हो, एक्चुअल में आप इस पेन को कुछ समय के लिए रोक देते हो ताकि बॉडी को टाइम मिले उसे हील करने के लिए। तो जब भी आप पैरासिटामोल खाओगे आपकी बॉडी हिस्टामाइन का प्रोडक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम करती है। तो यही काम होता है हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स का, कि आपको पेनफुल सेंसेशंस का जो महसूस करते हैं हम कि यस इस पर्टिकुलर एरिया में ये प्रॉब्लम है,
वो समझने के लिए आपको हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर काम क्या है। दूसरी चीज, हिस्टामिन आपको पेट के अंदर एसिड प्रोड्यूस करने के लिए भी मदद करता है एंड इवन दो आपके ब्रेन के अंदर कुछ सेंसरी स्टिमुलेशन क्रिएट करने के लिए भी मदद करता है। जैसे कि जब आप ट्रैवलिंग करते हो बस में से, तो आप में से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी ट्रैवलिंग सिकनेस की, मोशन सिकनेस की, कि जैसे ही बस में बैठोगे 1-2 घंटे बाद वॉमिटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके पीछे भी एक रीजन है, आपके ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन का सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स वेरुला एंड सेरेबेलम, ये जो रीजन है इसके अंदर एक वॉमिटिंग सेंटर होता है, छोटा सा टिश्यू होता है। जब भी आपकी बॉडी को लगता है कि यस आजू बाजू में कुछ अलग हो रहा है और मुझे अभी वॉमिट करना चाहिए, तो ये छोटा सा सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और उस एरिया में हिस्टामाइन नाम का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और ये भी आपके वॉमिटिंग प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। तो हिस्टामाइन का आपके बॉडी में बहुत अलग अलग लेवल पे काम है। एक काम है इंजुरी को हील करना और इंजुरी का जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक ट्रांसफर करना, बस। इसके बाद है डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को पसंद करते हैं, वो चीज मुझे खाने के लिए पीने के लिए पसंद है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, आपने जब वो सेंसेशन महसूस की तब आपके ब्रेन के अंदर कुछ अच्छा महसूस हुआ और ये अच्छा कब महसूस होता है, जब आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन का सीक्रेशन बढ़ता है। अब फॉर एग्जांपल हम जो लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं वो 1-to-1 डिस्कशन है, हम थ्योरीज को सॉल्व कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे, तो आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पाते हो, तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन रिलीज हो रहा है, कुछ चीजें दिमाग के ऊपर से जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन में वो सॉल्व हो भी जाता है। लेकिन मैं अगर कुछ ऐसा करूं तो रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज एंड दीज आर दी एग्जांपल्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या होगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा ये तो जस्ट स्लाइड रीडिंग है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो जब भी कोई चीज हमें पसंद आती है तब हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन का सीक्रेशन बढ़ने लगता है और जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है हम उसे हेट करने लगते हैं, तब समझ लेना है ब्रेन के अंदर डोपामाइन का सीक्रेशन कम हो चुका है। तो डोपामाइन नाम के रिसेप्टर आपके ब्रेन के अंदर होते हैं जिसकी कैटेगरी है D1, D2, D3, D4, D5, 5 टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ ब्रेन के अंदर ही होता है और इनका काम है प्लेजरेबल सेंसेशंस को महसूस करना एंड परमानेंटली उसे स्टोर करके रखना है। नेक्स्ट है एडेनोसिन रिसेप्टर, ये आपके स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। जब भी आपको नींद आती है समझ लेना है आपके ब्रेन के अंदर ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो चुका है और ब्रेन के अंदर एडेनोसिन नाम का केमिकल रिलीज हो चुका है। तो एडेनोसिन जो है वो आपके ब्रेन के अंदर ये सेंसेशन क्रिएट करता है। देन है एडेनोसिन एक्चुअली इट इज अ सेंसरी रिसेप्टर, ना कि डिप्रेशन। जब भी आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, उसमें कैफीन होता है, कैफीन के कारण आपको स्टिमुलेशंस आती है। एडेनोसिन भी वैसा ही है, जब भी ये आपके बॉडी में क्रिएट होगा ये आपको स्टिमुलेशंस देगा, मतलब आप देर तक जाग सकते हैं, दैट इज द एडेनोसिन रिसेप्टर। इसके बाद है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। अब ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए मदद करता है जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एक ऐसी सिस्टम जहां पे आपके किडनी को अगर ब्लड फ्लो कम होता है तो बेचारी किडनी नाराज हो जाती है, तो वो सोचती है मैं काम तो इतना कर रही हूँ लेकिन मुझे खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो किडनी क्या करती है उस वक्त पे रेनिन नाम का केमिकल ब्लड में रिलीज करती है ताकि ब्लड को समझे कि यस मुझे अभी कहाँ पे जाना चाहिए। तो ब्लड के अंदर एक केमिकल होता है एंजियोटेंसिनोजेन, तो आपका जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिनोजेन को एक्टिवेट करता है और वहां से आगे ब्लड प्रेशर में इंक्रीमेंट होती है। तो एंजियोटेंसिन नाम के रिसेप्टर जो होते हैं वो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन काम है ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करना। इसके बाद है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जिसके अंदर है इंसुलिन रिसेप्टर, ये तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसका काम सिंपल है, जब भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हद से ज्यादा बढ़ेगा, उस केस में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिसेप्टर आपकी मदद करेगा। कैसे, सिंपल, आपके फैट सेल्स के अंदर या मसल सेल्स के अंदर इंसुलिन का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये किस टाइप का रिसेप्टर है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है। जैसे ही ड्रग यहाँ पे बाइंड करेगा ये सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है जिसके कारण ट्रांसपोर्टर बाहर जाके उस पर्टिकुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अंदर लेके आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन रिसेप्टर मैकेनिज्म। तो आपको इंसुलिन रिसेप्टर में क्या सीखने के लिए मिला, इंसुलिन हमारी बॉडी का एक ऐसा केमिकल है जो ग्लूकोज को सेल के अंदर एब्जॉर्ब करने की परमिशन देता है,
क्योंकि ग्लूकोज एज इट इज सेल के अंदर आ नहीं सकता. क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसकी साइज बहुत बड़ी है, तो उसे अंदर आने के लिए एक स्पेशल गेट लगता है जो गेट इंसुलिन प्रोवाइड करता है. एंड लास्ट वन इज इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाला रिसेप्टर. ये दो लोकेशन पे हो सकता है, एक तो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, नहीं तो न्यूक्लियस के अंदर. एंड जो आपके थायराइड रिसेप्टर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है, स्टीरॉयड रिसेप्टर है, ये सारे आपके साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. आप मान लो किसी पर्सन की थायराइड ग्लैंड निकाल दी, कट करके पूरी तरह से बॉडी से निकाल दी, क्या होगा? वो पर्सन ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के अंदर से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका काम होता है आपके डाइजेशन प्रोसेस को, ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ के प्रोसेस को कंट्रोल करना. गलती से अगर किसी पर्सन ने थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया बॉडी से, क्या होगा? आपकी मेंटल फिजिकल पूरी ग्रोथ रिटार्ड हो गई, उसी वक्त स्टॉप हो गई, तो वो पर्सन अलग अलग बीमारी से सफर करेगा और जिसके कारण उसकी कुछ ही दिनों में डेथ हो जाएगी. दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर. इसका मेन काम है आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज एंड मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म करना. दूसरी चीज, अगर आपके बॉडी में हाईली पेनफुल सेंसेशंस क्रिएट होते हैं तो उन्हें सप्रेस करना. लास्ट है स्टीरॉयड रिसेप्टर. अब ये स्टीरॉयड रिसेप्टर मेल्स में है, बॉयज में है टेस्टोस्टेरॉन को सेंस करने वाले, गर्ल्स में है इस्ट्रोजन को सेंस करने वाले. और टेस्टोस्टेरॉन का बॉयज में काम क्या है? एक पर्टिकुलर एज के बाद बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करना. इस्ट्रोजन का काम क्या है? पर्टिकुलर ग्रोथ के पर्टिकुलर एज के बाद गर्ल्स के जो बॉडी फीचर्स है उन्हें कंट्रोल करना. तो ये सारे रिसेप्टर्स आपके पूरे डे टू डे एक्टिविटी, आपके पूरे लाइफ को कंट्रोल करता है. एक भी रिसेप्टर में ऊपर नीचे कुछ गलती हो गई तो समझ लेना है आपको कुछ ना कुछ बीमारी होने वाली है. सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द रिसेप्टर्स, क्यों आपको रिसेप्टर्स पढ़ने हैं. अब आप कहोगे ये सेमेस्टर में रिसेप्टर्स आपने हमें पढ़ा दिया, बट इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे आगे जाके, कैसे करोगे? देखो एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ. सेमेस्टर 4 में आपको एक सब्जेक्ट आने वाला है फार्माकोलॉजी, जिसका हमने डिस्कशन कर लिया था. तो आपको ना एक सिडेटिव हिप्नोटिक करके चैप्टर आने वाला है, सिडेटिव हिप्नोटिक, सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स करके एक चैप्टर आने वाला है. अब ये ड्रग्स होते क्या है पहले ये समझ लो. इसका एक एग्जाम्पल भी देता हूं, बेंजोडाइजेपिन. बेंजो डायाजेपिन ये क्लास है जिसके अंदर बेंजोडाइजेपिन रिंग प्रेजेंट होती है, एंड इसका एग्जाम्पल है डायाजेपाम. डायाजेपाम नाम का ड्रग है. आप सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, वर्ड से मीनिंग समझ में आता है, उस पर्सन को सुला देना है, वो सो जाए ऐसा कुछ करना है, राइट? तो जब भी आप डायाजेपाम को किसी पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट करोगे वो लंबे समय के लिए सो जाएगा, 8 से 10 घंटे भी हो सकते हैं, 24 आवर्स से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको आप उठा ही नहीं सकते एक बार ये ड्रग उसके बॉडी में चला गया. तो सोचो एक पर्सन को 24 आवर्स या उससे ज्यादा उस फेज में हमें लेके जाना है कि वो सो जाए, ये कब करते हैं हम? टाइम पास के लिए करते हैं क्या? ना, उस पर्सन का अगर हमें ऑपरेशन करना है बहुत लंबे समय तक तो हम ये प्रोसेस यूज करेंगे. तो अगर उसका ओपन हार्ट सर्जरी करना है या लंग्स का या स्टमक का कुछ कैंसर हुआ है उसे ट्रीट करना है, तो वो ऑपरेशन लंबे समय तक चलता रहेगा. तो उसके बीच में अगर उसकी नींद खुल गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. तो वो ना हो इसके लिए ये ड्रग हम उसके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. आप ये ड्रग एक्चुअल में ऐसा क्या करता है जिसके कारण 24 आवर्स से भी ज्यादा समय के लिए वो पर्सन सो जाता है? तो देखो सारा कंट्रोल आपके ब्रेन के अंदर है कि कब सोना है कब उठना है, ठीक है? ब्रेन के अंदर होता है गाबा रिसेप्टर. ब्रेन के अंदर होता है गाबा रिसेप्टर, गाबा प्रोटीन या गाबा सेंसर, आप जो चाहे इसको नाम दे दो, ठीक है? अब ये गाबा रिसेप्टर जो आपके ब्रेन के अंदर है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही आपने डायाजेपाम को कंज्यूम किया, मान लो ये आपका डायाजेपाम ड्रग है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, अब ये डायाजेपाम आके यहाँ पे बाइंड हो जाता है, ठीक है? बाइंड होने के बाद इसके अंदर का जो गेट है वो ओपन होता है और बाहर जितना भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड वो सारा ब्रेन के अंदर चला आता है. नाउ गाइस टेल मी इन द चैट बॉक्स, आपके ब्रेन के अंदर जब नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं क्या आपको अच्छा महसूस होता है, या जब पॉजिटिव थॉट्स बढ़ते हैं तब आपको अच्छा महसूस होता है? विच कंडीशन?
पॉजिटिव, करेक्ट। पॉजिटिव जब थॉट्स आते हैं तब आपको अच्छा महसूस होता है। आप जब आपके ब्रेन के अंदर ही नेगेटिव चार्ज इतना आ रहा है तो क्या आपको स्टिम्युलेटेड मोटिवेटेड फील होगा या डिप्रेस फील होगा? ऑब्वियसली डिप्रेस फील होगा। तो आपके ब्रेन के अंदर के जितने भी न्यूरॉन्स हैं, तो ये सारे रिसेप्टर जो है गाबा वाले, ये तो न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट है ना, तो वो जो सारे न्यूरॉन है उनके अंदर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, और ये एक्सेसिव नेगेटिविटी बढ़ने के कारण सारे न्यूरॉन कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। अब सोचो, एक न्यूरॉन अगर पैरालाइज हो गया तो क्या वो अपनी इंफॉर्मेशन सेकेंड वाले न्यूरॉन को देगा क्या? नहीं दे सकता। तो ये जो ड्रग है हमारा, ये 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 24 आवर्स, जितना समय उसको दिया है उस वक्त के लिए इस रिसेप्टर के साथ अटैच रहता है, और जब तक ये अटैचमेंट रहेगी तब तक नेगेटिव चार्ज अंदर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और जब तक नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है तब तक ये न्यूरॉन पैरालाइज ही रहेगा, और जब तक ये पैरालाइज रहेगा तब तक आप सोते रहोगे, और जिस मोमेंट पे ये ड्रग यहां से टूट के निकल जाएगा उस वक्त ये नेगेटिव चार्ज फिर से बाहर चला जाएगा, और कुछ समय बाद आपकी नींद खुलेगी, फिर आप जाग जाओगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसेप्टर कॉन्सेप्ट इन योर फार्मेसी सब्जेक्ट। जब तक आपको ये रिसेप्टर्स के टाइप्स, उनकी लोकेशन, उनका पर्पस ये नहीं सीखोगे, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हम ये सीख क्यों रहे हैं, क्या पर्पस है इसके पीछे का। अभी ये मैंने सिखा दिया आपको गाबा का। दूसरा अभी एक लेता हूं, मस्कैरिनिक का, मस्कैरिनिक रिसेप्टर। अभी ये जो आपका दिल है इसके ऊपर होता है एड्रेनर्जिक बीटा 1, मस्कैरिनिक M2, ठीक है। अब मान लो आपका हार्ट, आप तेज दौड़ रहे थे और आपका हार्ट रेट 72 बीट से चला गया 140 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 140 बीट्स पर मिनट, लेकिन आप अभी रुक चुके हो, शांति से बैठे हो, फिर भी आपके बीट 72 तक नहीं आए, मतलब कहीं ना कहीं पे आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको हार्ट को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जिसके कारण आपके हार्ट बीट्स कम नहीं हो रहे। रीजन बहुत सिंपल है, आपका जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। जब तक ये ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा तब तक बीट्स बढ़ते हैं, जब इसका एक्टिवेशन बंद होगा तब बीट्स कम होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा ड्रग देना पड़ेगा कि जो बीटा 1 को कुछ समय के लिए लॉक कर दे, उसके एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे, ताकि आपके बिट्स फिर से नॉर्मल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग को यूज करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स। इनको बीटा ब्लॉकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, ड्रग का नाम है प्रो प्रानोलॉल, प्रो प्रानोलॉल ये नाम का एक ड्रग है। ये क्या करता है, हार्ट के पास जाके इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही रिसेप्टर ब्लॉक होगा, एड्रेनलिन जितनी चाहे कोशिश करे इसको एक्टिवेट कर ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली आपके हार्ट बीट्स कम हो जाएंगे, जितने नॉर्मली उतने हो जाएंगे बस। तो आपको ये पता होना चाहिए, यस एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सर ने सिखाए थे, कितने रिसेप्टर है, अल्फा बीटा, अल्फा में कितने हैं 1 2, बीटा में कितने हैं 1 2 3, इसमें से हार्ट के ऊपर कौन सा है, बीटा 1। तो बीटा 1 अगर एक्टिवेट होता है तो हार्ट रेट बढ़ेगा, अगर वो डीएक्टिवेट होता है तो हार्ट रेट कम होगा। तो हमें ऐसे ड्रग देने पड़ेंगे कि जो अगर हार्ट रेट ज्यादा है तो कम करने के लिए बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे, समझे? सो दिस इज हाउ योर रिसेप्टर वर्क्स। अब दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, बीटा 2। अब बीटा 2 आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका काम है ब्रोंको डायलेशन करना। ब्रोंको डायलेशन मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है तो उसको रिलैक्स करना। जनरली क्या होता है, आपका जो विंड पाइप है उसका डायमीटर इतना होता है नॉर्मल, लेकिन अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, एकदम छोटा पतला हो गया, तो आप सांस नहीं ले पाओगे। तो इसे रिलैक्स करने के लिए हमें बीटा 2 रिसेप्टर मदद करता है। लेकिन अगर कुछ गलती हो गई आपके बॉडी के अंदर और बीटा 2 एक्टिवेट नहीं हो रहा है, फिर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली मेडिसिन खाते हैं। एक ड्रग है जिसका नाम है सालब्यूटामॉल, सालब्यूटामॉल ये नाम का ड्रग है। जैसे ही आप ये ड्रग को कंज्यूम करोगे, बीटा 2 रिसेप्टर के साथ ये इंटरेक्ट करेगा और आपके ये जो विंड पाइप है इसका डायमीटर बढ़ने लगेगा। तो ये सारे रिसेप्टर जितने भी हम पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकली इसके एग्जाम्पल जब तक डिस्कस नहीं करेंगे तब तक आप इन चीजों को सीख ही नहीं पाओगे कि ये होता कैसे है। एक क्वेश्चन आया है शायद, एसिटाइल कोलिन हाउ इट एक्ट्स। ओके चलो एसिटाइल कोलिन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो
एसिटाइल कोलिन का मेन काम क्या है, आपके हार्ट रेट को कम करना। ठीक है, अब हार्ट रेट को कम कब करना होता है, जब हार्ट रेट एक्सेसिवली बढ़ चुका था लेकिन अभी बॉडी को नीड नहीं है कम करने की, ज्यादा रखने की। जैसे कि आप भाग रहे थे भाग रहे थे भाग रहे थे, अभी रुक चुके हो, अब जहां पे आप रुक चुके हो यहाँ पे आपको एक्सेसिव हार्ट रेट की जरूरत नहीं है। फिर इस केस में क्या होगा, आपका ब्रेन तुरंत हार्ट को मैसेज देगा, यस टेक दिस एसिटाइलकोलिन एंड स्टॉप एक्सेसिव बीट्स। तो जैसे ही आपके ब्रेन से मैसेज आता है आपके हार्ट को, तो ये मैसेज जाता है M2 के पास, और M2 क्या करता है, यस ब्रेन ने बोला है ना हार्ट रेट कम करना है तो कम करना है। तो मैंने आपको GI पाथवे पढ़ाया था, GI पाथवे का एक टाइप है M2। तो GI पाथवे में क्या होता है, CAMP की लेवल घटती है जिसके कारण कैल्शियम आयंस का लेवल घटता है, जिसके कारण कैल्शियम काल मोडुलिन का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, जिसके कारण एक्टिन मायोसिन फिलामेंट नहीं बनता, उनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं बढ़ता, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट रेट घटेगा। एंड दिस इज हाउ योर एसिटाइल कोलिन वर्क्स। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। देखो अब मान लो एक बॉय मेल की बॉडी है और मेल के बॉडी की ये सेल है। अब क्या होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर करेगा। सेल के अंदर एंटर करने के बाद ये तो एक स्टीरॉयड हार्मोन है, तो इसको लगेगा स्टीरॉयड रिसेप्टर। जैसे स्टीरॉयड रिसेप्टर उससे मिलेगा ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरी तरह से आपके न्यूक्लियस में एंटर करेगा। न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद अंदर है डीएनए। डीएनए को जैसे ही दिखेगा, अरे वाह टेस्टोस्टेरोन आया है, मतलब अभी ये लड़का मैच्योर होने लगा है, तो चलो इसको बॉडी के फीचर्स को बढ़ाने के लिए हम कुछ प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो डीएनए क्या करता है, एक एमआरएनए बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए का मैसेज मैसेंजर आरएनए कैरी करता है टुवर्ड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होते हैं राइबोसोम्स, तो एमआरएनए राइबोसोम की मदद लेके उन प्रोटीन्स को बनाता है जो प्रोटीन्स उस मेल को मैच्योर मेल में कन्वर्ट करने के लिए मदद करेंगे। अब मान लो आपकी एज है अराउंड 16 to 20 के बीच में, अब ब्रेन से मैसेज आ चुका है ना कि ये पर्सन जो है अभी अडल्ट बनने के कैपेसिटी को आ चुका है, तो ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, उसके मसल्स के ग्रोथ को बढ़ाएंगे, उसको दाढ़ी उसकी जो दाढ़ी है मुस्टैचेस है उसमें ग्रोथ होने वाली है, स्किन का टोन बदलेगा। तो ये सारी जो चीजें होती है ये आपके टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है बॉयज के अंदर। गर्ल्स के अंदर उल्टा होगा, इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन के अलग अलग इफेक्ट दिखेंगे जो फीमेल बॉडी फीचर्स को डिफाइन करते हैं। इस तरह से आपके रिसेप्टर्स आपको डे टू डे लाइफ एंड आपकी होल लाइफ कंट्रोल करते हैं। समझे? एनी अदर क्वेश्चन? नो डाउट, थैंक यू। एक मिनट, होल्ड होल्ड आकाश, होल्ड, थोड़ा परमिशन देता हूँ। था यस आकाश, यू कैन अनम्यूट योर माइक, बोल। सर हिस्टामाइन एंड हेपरिन दोनों मिलके रिसेप्टर्स पे काम करते हैं ना, एंटी कोगुलेंट जैसे। देखो हिपेरिन का काम क्या है, ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेट नहीं होने देना है। हिपेरिन इज एंटी कोएगुलेंट कंपोनेंट, लेकिन हिस्टामाइन इज एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट। हिस्टामाइन का और हिपेरिन का एक दूसरे के साथ